हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि बॉयलर को स्टार्ट कैसे करना है, बॉयलर का स्टार्टअप प्रोसीजर क्या होता है, उस पर हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं उसी बॉयलर पे अगर कहीं पे कोई लीकेज हो जाती है, वाटर पैनल्स में, वाटर ट्यूब्स में अगर लीकेज हो जाती है तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि किस पोजिशन पे, किस लोकेशन पे हमारी लीकेज हुई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि बॉयलर में हमारा कहीं लीकेज है या नहीं है, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जोन में लीकेज है या नहीं है, ये कैसे जानना है हमें। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि आपको सारे टेम्परेचर प्रेशर पैरामीटर्स का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें सारे पैरामीटर्स के रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमने क्या किया, जो हमारा एक बॉयलर की स्टीम जनरेशन हो रहा है और स्टीम को जनरेट करने के लिए जो हमें वाटर है डेरेटर में या हमें स्टोरेज टैंक में वाटर को मेकअप करके रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, हमारा जनरेशन जो है वो तो कम हो गया लेकिन हमारा बॉयलर का मेकअप है वो बढ़ गया। मतलब पहले मान लीजिए हम 100 टन स्टीम जो है 105 टन वाटर से बन रहा था हमारा, अब क्या है वही 100 टन स्टीम हमारी 110-115 टन हमें पानी की जरूरत पड़ रही है। वाटर की रिक्वायरमेंट तो हमारी बढ़ गई, अगर वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो फिर जो एक्स्ट्रा पानी है वो जा कहाँ रहा है। तो सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा पानी कहीं ना कहीं लीकेज के थ्रू बॉयलर में ही रुक जा रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि बॉयलर के किस जोन में हमारी लीकेज हुई है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले जो बॉयलर के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, जैसे हमारा इकोनोमाइजर हो गया, बेड कॉइल हो गया, या हमारे वाटर वॉल्व पैनल्स हो गए, तो अगर यहाँ कहीं पर अगर कोई लीकेज होगी तो वहाँ का क्या होगा, उस पर्टिकुलर जोन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा AFBC बॉयलर हो या कोई भी ऐसा बॉयलर जिसमें हमारे फर्नेस में ही डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में वाटर वॉल्व पैनल्स दे रखी हैं, और किसी भी एक पैनल में अगर हमारा लीकेज हुआ है तो क्या होगा, बाकी सब टेम्परेचर, बाकी सब जोन्स का जो टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जिस जोन में हमारा टेम्परेचर या जो लीकेज हुआ है वहाँ का टेम्परेचर हमारा ड्रॉप कर जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस जोन का, इस पर्टिकुलर जोन का हमारा जो है लीकेज हो चुका है। अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम नहीं मिलती है हमें, सब नॉर्मल है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपने बॉयलर पे DCS पे बैठ के हम ये चेक करेंगे जो फ्ल्यू गैस का पाथ है वो कहाँ पर उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, क्योंकि जैसे ही कहीं पर अगर हमारा लीकेज हुआ वाटर क्या करेगा, हमारे फ्ल्यू गैस के ऊपर स्प्रे होगा, तो फ्ल्यू गैस के ऊपर जब स्प्रे होगा तो धीरे धीरे फ्ल्यू गैस का टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर जोन में हमारा फ्ल्यू गैस का टेम्परेचर डाउन हो रहा है हमारा वहाँ पे लीकेज हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों कंडीशन से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पहली कंडीशन तो खड़ी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका हिसिंग साउंड को चेक करेंगे बॉयलर के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में जाके। अब बात आती है हिसिंग साउंड क्या होता है। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए, जैसे रोटी बनाते हैं तवा हुआ जो होता है वो हमने गर्म करके लाए और उसके ऊपर हमने तुरंत का तुरंत पानी स्प्रे कर दिया तो एक झन सी आवाज आती है, वही होता है हमारा हिसिंग साउंड। क्योंकि बॉयलर में हर जगह पे एक हाई टेम्परेचर जोन होता है और कहीं पर भी अगर उसके ऊपर पानी गिरेगा तो एक हिसिंग साउंड जनरेट होगा, झन फन वाली वो आवाज आना शुरू कर देगी। तो जहां कहीं भी हमारा हिसिंग साउंड मिल रहा है वहां पे हमारा लीकेज है। अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो हम स्टैक का क्लियर, जो स्टैक हमारा है, जो चिमनी है, उससे जो धुआं है, फ्लू गैस हमारा बाहर निकल रहा है, अगर वो ब्लैक आ रहा है तो, और हमारा बॉयलर की सारी कंडीशंस ओके हैं, हमारा ऑटो एनालाइजर ओके चल रहा है, हमारा जो फ्यूल फीडिंग कंट्रोल है वो भी ओके चल रहा है, मतलब हमारे बॉयलर के ऑपरेशन के हिसाब से तो जो हमारा स्टैक का जो धुआं है वो बढ़िया निकलना चाहिए, ESP हमारी फुल चार्ज है, लेकिन इन सब हेल्दी कंडीशन होने के बाद भी अगर हमारा स्टैक का फ्ल्यू गैस का टेम्परेचर या स्मोक का टेम्परेचर ब्लैक जा रहा है, इसका मतलब हमारी फर्नेस के अंदर कोई वाटर वॉल्व्स है वो लीकेज हो गई है, वो क्या कर रही है, पानी हमारे फ्यूल के ऊपर डाल रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी CO2 हमारी सॉक्स नॉक्स वाली कंडीशन बन जाएगी जिससे हमारा फ्यूल प्रॉपर बर्न भी नहीं होगा और उसकी वजह से हमारा काला धुआं बाहर जाएगा। तो एक हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारी डिस्चार्ज एस है, जो हमारी RAV से निकल रही है या हमारे मास्टर स्लेव सिलेंडर्स के थ्रू निकल रही है, वहाँ पे क्या एस या जो हमारा जो कलेक्शन हो रहा है वो भीगा हुआ वेट तो नहीं है, एक तो ये कंडीशन है। अब दूसरा क्या होता है, जब हमारा एस जब बहुत ज़्यादा भीग जाती है तो वो क्या करेगी, चोकिंग की प्रॉब्लम ले आएगी,
अब मान लीजिए हमने इकोनोमाइजर के चार हमारे जोन्स बने हुए हैं, वहां पे जाकर चेक किया, तीन से तो हमारा जो है एस प्रॉपर निकल रहा है, चौथे से एस निकल ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब वहां पे चोकिंग हो गई है, या फिर वहां से गीली बगास या गीला ऐश आ रहा है, इसका मतलब वहां पे हमारा जो है ट्यूब पंचर हो गई है, लीकेज हो गई है। तो हमें पता चलेगा किस जोन में हमारा जो वाटर जो है वो लीकेज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पूरे सर्किट में कहीं पर भी अगर लीकेज होती है तो क्या करेगी वो, ऐश के ऊपर या हमारे फ्यूल के ऊपर जो है पानी डालेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में चोकिंग होने लगेगी। चोकिंग होगी तो क्या हुआ, आईडी फैन जैसे मान लीजिए अभी तक हमारा 80% एफिशिएंसी पे चल रहा था, तो क्या करेगा उस 80% एफिशिएंसी से उठकर वो सीधे 95% 100% तक पहुंच जाएगा, और जो हमारा जो डिस्चार्ज सक्शन है वो हमारा डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो है जिस जगह पे हमारा सक्शन डाउन हो गया तो वहाँ पे हमारा लीकेज हो गई। तो ये एक प्रोसीजर है, ये कुछ हमें चेक पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं अगर हमारे बॉयलर में कोई लीकेज हुई है, तो इस तरीके से हम उसे फाइंड आउट करते हैं, और एक बार फाइंड आउट होने के बाद फिर तो हम उसे मेंटेनेंस में लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।